अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओपन सोर्स लिटरेट पाकिस्तान के तीसरे सेशन में हैं और दिस सेशन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जो पहले वीडियोस हमने बनाई हैं उनमें ऑडियो का इशू आ रहा था, तो आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँ ताकि ऑडियो का कोई मसला ना हो। और डेफिनेटली मैंने एक ऑडियो के लिए रिप्लेसमेंट भी ऑर्डर किया, वो भी आ जाएगा तो हमारे सेशन थोड़े ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो आज मैं आपको एक IDE का बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ओपन सोर्स का पता चल सकता है कि ओपन सोर्स कोलेबोरेशन कैसे होती है। और वो आपके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं वेबसाइट पे, क्रोम में जाके CodeSandBox.io, ठीक है। ये बेसिकली एक IDE है। IDE आप ऐसे सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, मोबाइल ऐप्स डेवलप करते हैं, और वो आपको ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये वाला आप यूज़ करेंगे तो ये ऑनलाइन है और आप इधर इंटरेक्टिव बैनर में कुछ भी चीज़ लर्न कर सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं और कोलेबरेट कर सकते हैं। आप किसी अपने से सीनियर को उससे टेस्ट करवा सकते हैं कि ये आपने बनाया और इसमें ये एरर आ रहा है या ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरव्यू के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, कि आपको अगर कोई टेस्ट है तो वो आपको सैंडबॉक्स की प्रोफाइल आपको मैटर करती है कि आपने उधर कौन से रिपोजिटरीज या प्रोजेक्ट किए हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप फ्री में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, आपको इन टेक्नोलॉजीज का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट जो लाइब्रेरी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वनीला जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जिसमें कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं होती। एंगुलर है, इधर स्टेटिक है, ठीक है, और इधर आपको बहुत सी मिल जाएंगी। आपको आप ये टूल्स भी पढ़ सकते हैं कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आप इसकी टेम्पलेट्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कोई ऐसी कौन सी चीज़ आपने बनानी है, ठीक है। और इसमें आप एक ऑप्शन आ जाता है, आप इसे एक्सप्लोर करते हैं, इधर ऑलरेडी लोगों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप ओपन करके देख सकते हैं कि किसने क्या बनाया। लाइक ये कैलकुलेटर किसी ने बनाया है तो आप इसका कोड देख सकते हैं, ठीक है, इधर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे इजी एडिशन ये है कि आप स्टाइल्स को एडिट कर दें, ठीक है। लाइक हम मार्जिन को अगर इधर से 20 कर देते हैं, जो मार्जिन 20 हो गया, इसे हम 5 कर देते हैं, इस तरह की आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ कैसे इंपैक्ट कर रही है। ये सिंपल स्टाइल शीट है, इसके बाद आप लॉजिक की तरफ जा सकते हैं। अगर आप HTML से स्टार्ट करते हैं, CSS से स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर ओपन सोर्स का, तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करके फ़ौरन से अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, फ़ौरन से फीडबैक देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह फिर एक देख सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ये तकरीबन 330 लाइन का कोड है और ये किसी ने ड्रम बनाया हुआ, ड्रम मशीन बजाने वाला, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसका लॉजिक पढ़ सकते हैं क्या इस तरह की चीज़ें कैसे आप बना सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे ने ये बनाया है उसने क्यों बनाया है, ये बात करने वाली है, उसने शो करने के लिए बनाया है कि उसके पास स्किल है, ठीक है। इस तरह की जब चीज़ें आप इधर शो कर सकते हैं, बनाएंगे, उनको लोग लाइक करेंगे, फॉर्क करेंगे, फॉर्क का मतलब है कॉपी पेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। लाइक आप बहुत सी एग्जांपल देख सकते हैं, ये पुल टू रिफ्रेश की एक एग्जांपल है, तो बिल्कुल काम नहीं कर रही बल्कि कर रही है, ओके। ये मेरी तरफ से कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो आप इधर से जाके कोई भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप बिल्कुल सिंपल रिएक्ट क्रिएट ऐप है, ठीक है। इसमें आप आर्किटेक्चर इसका देख सकते हैं कि कैसे फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, उनको एडिट करने से क्या होगा, आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इस तरह अगर लिखते हैं तो आप फ़ौरन से देख लेंगे कि वो हो गया, फिर फ़ौरन से आप अपनी मिस्टेक भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप जब शुरू करेंगे तो आप
को इंटरेक्टिव इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, ठीक है, और आप किसी दूसरे को फ़ौरन से लिंक सेंड कर सकते हैं, ये अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, ये बगैर प्रोफाइल के है कि ये काम मैंने किया है, ठीक है, और इसमें मुझे ये इशू है, ठीक है, और अगर आप थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर आप जॉब के लिए भी ये वाली रिपोजिटरी सेंड कर सकते हैं। फ़ौरन से इंटरव्यू लेने वाला ना वो CV पढ़ेगा आपकी, ना वो आपकी डिग्रीज देखेगा, ना सर्टिफिकेट देखेगा, बल्कि उसे इधर देख के पता चल जाएगा कि आप में स्किल है या नहीं है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स हैं, ठीक है, आप ये दूसरों का सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, कैसे कोलेबरेशन करनी है, इस बारे में हम मज़ीद सेशन करेंगे कि कैसे करने हैं, और मज़ीद इस तरह के सॉफ्टवेयर देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को सीखना है और कैसे ये प्रैक्टिकल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।